मोदी जी हमारे कैसे भगवान एकटाई कथा वन सन वन आर्थ वन मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वामी विवेकानंद का पूर्ण जन्म है, नरेंद्र देव उनका बच्चा का नाम था, उन्हीं का रूप है। मोदी जी एकमात्र भगवान, हमारे भगवान। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद अभी कोई आया तो भगवान जैसे यही है, बस और कुछ नहीं। मोदी जी भगवान? हाँ, मेरे लिए है भाई, किसी के लिए क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे लिए है। हाँ, हम लोग मोदी को भगवान मान के पूजा करता है, इसलिए तो नमो नमो मोदी बोलता है हम लोग। बहुत भगवान है, भगवान के रूप में आए हुए हैं। हाँ, भगवान है, वो स्वयं भगवान है और भगवान को लेकर भी आए हैं। हमारे बाड़ी से भगवान फोटो पास मोदी जी फोटो आज मैंने हमारे जो देश पिता তিনি ফার্স্ট টাইম আমাদের এইখানে শ্যামবাজারে উত্তর কলকাতায় পদার্পণ করলেন, এটা আমাদের কাছে একটা গৌরবের দিন অবশ্যই। नमस्ते भैया जी, कहाँ से आए? हम लोग भाटपाड़ा से आया होगा। भाटपाड़ा से? भाटपाड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नाम बताइए। राजेश यादव। राजेश जी, आप इधर पे आए, भाटपाड़ा से आए, मोदी जी के लिए आए। हाँ। परिवार है लिखा हुआ। हाँ, हम लोग मोदी के परिवार हैं। अच्छा, लेकिन आपके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जी तो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे और जैसे आपको उजाला गैस है, फिर राशन दे रहे हैं सबके घर तक, बिजली और नल का पानी जा रहा है। हाँ, और हम देखिए यूपी क्षेत्र से हैं, वहाँ पर किसानों को 6,000 रुपया करके मिल रहा है। हाँ, और शौचालय के लिए 12,000 रुपया हम लोग को मिला, ये सब हम लोग को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग मोदी के साथ हैं और मोदी के परिवार भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं शायद ऐसे ही जन्म नहीं हुआ देश का सेवा करने के लिए, परमात्मा। बहुत बढ़िया बोला, एक नहीं एक एक बात बोला, मन कर पार्थना मन कर रहा है किसका? उसी का, जो भी बोला, जो बुआ बोला, जो मोदी। हाँ, पार्थने का मन कर रहा। अच्छा, आप बताइए, तो आपको मोदी जी का पैर छूना है? हाँ। अच्छा, कहा है मोदी जी हम लोग के लिए बहुत भगवान है, भगवान के रूप में आए हुए हैं। हाँ, भगवान है, वो स्वयं भगवान है और भगवान को लेकर भी आए हैं। जो नहीं होने वाला था, 370 भी कश्मीर से हटाया गया, प्लस राम मंदिर भी बना, और भी आपका मथुरा में कुछ बाकी है, उधर काशी में भी बाकी है, सब कुछ काम हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा, रोजगार इम्पोर्टेंट है या मंदिर इम्पोर्टेंट? रोजगार इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रोजगार के साथ हमारा जो सब कुछ पीछे का भाग सनातन धर्म है, उसको हम लोग को भी उसको वापस लाना है। अच्छा, कैसे लाएंगे? सनातन धर्म तो ऑलरेडी है। है तो जो माने अभी हमारा दबा के उसको रखा गया है, जो सामने नहीं है उसको तो सामने लाना होगा ना। आपको लगता है सनातन धर्म दबा हुआ है? नहीं, दबा हुआ नहीं है, मतलब बहुत से आदमी दबा कर, पार्टी वाले दबा कर रखा है, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं सनातन धर्म को उद्धार कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर मैंने उद्धार कर रहे हैं, मैंने प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत मैंने उत्साहित है। अच्छा, आप मंदिर जाते हैं? मंदिर तो हम पूजा करते हैं। हाँ। अच्छा, और मुझसे जय श्री राम भी, जय श्री राम भी बोलते हैं। तो आपका आपका सनातन धर्म कैसे दबाव में आ गया? दबाव में इसलिए आया था कि इसके पहले आज जो हमारा राम मंदिर बाबर के टाइम से बंद पड़ा हुआ है, उसके गुंबज को तोड़कर बाबर ने अलग रूप दे दिया था। आज हमारे ही कुछ नेता लोग जो कांग्रेस के थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आज तक वो लोग कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अच्छा। आप एक बार वो गाना सुना दीजिए, मोदी जी अगर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जैसी नाता बोलेंगे भारत का बच्चा बच्चा, जैसी राम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अगली बार 400 पार, 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 400
ये लोग खुद ही हंस रहे हैं हजार पार। ओके okay.
So there is a new song now, and it suddenly caught my attention. And not the usual BJP song that you're used to hearing at public rallies. This song has got very catchy few words. Namo, 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 namo. Namo, 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 namo. We know the prefix had been used for Prime Minister Narendra Modi, like Namo. But here, the music is actually giving you a sense of something very classically divine, and strategically, or incidentally, I would say, the song comes after Prime Minister Narendra Modi, during the course of interview, said that he thinks he's just not biological, but Mahatma ne bheja hai seva karne ke liye, and that godly, you know, that divinity that has now come into the picture. This song certainly goes with that sentiment, and you hear the song, you get the feeling. There is a beat specific to the classical devotional tune, and it is kind of evoking that feeling. Namo, 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 namo. And why is it significant? Because you say Om Namo Shivaya. You also say Om Namo Narayan. Om Namo Shakti. So Namo is also like part of our puja, archana, and it is of course part of our religious practice. So now when you have a song like this, it some way definitely makes an attempt to relate Prime Minister Modi to something bigger than human life, and of course something cosmic. Is this a strategy to bring in that sentiment that Prime Minister Modi is seen bigger than human beings and almost at the level of God? Is it a PR strategy or just being delusional? Not very good. For the people out here, this is the first time they are also hearing the same song. So the beat would go up, exactly what you come across in devotional songs. It will transcend you. And here the attempt is to transcend you from here to where, I don't know. মোদি জি একমাত্র ভগবান, আমাদের ভগবান, তার জন্য আমরা অত দূর থেকে এসেছি। আপনার নাম কি? আমার নাম সুপ্রকাশ নন্দী। আপনি তো রেগে যাচ্ছেন কেন? রেগে যাচ্ছি, গরমে ঘামে মোদিকে দেখতে পাচ্ছি না, দেখবো বলে মোদি জি কে এরকম সামনে থেকে কোনো দেখিনি, দেখবো তার জন্য। এবার সমগ্রদের বাংলায় পদ্মফুল ফুটবে, তার আত্মার শান্তি হবে, আমাদের বাঙালিদের কলঙ্ক দূর হবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরো বেড়ে যাবে, আরো চিল্লাবো মোদি জির জন্য জীবনটা বেরিয়ে গেল, কোনো কষ্ট নেই। এই যে আপনি বললেন ভগবান, হ্যাঁ ভগবান, অবশ্যই ভগবান, অবশ্যই ভগবান, ভগবানই মনে করি। আমার বাড়িতে ভগবানের ফটোর পাশে মোদিজির ফটো আছে, ভিডিও কল করলে দেখাতে পারতাম। আর ওর কোনো পরিবার নেই, আমরাই সবাই পরিবার। আচ্ছা আমাকে জিনিস বলুন, মোদিজি সবগুলো স্পিচ শুনেছেন? হ্যাঁ সবগুলো স্পিচ শুনেছেন। মোটামুটি শুনি দাদা, আমরা কাজকার বিলোক। কোন ভাষণটা সব থেকে ভালো লেগেছে? ভাষণ আমার এখন কোনো কিছু ভালো লাগছে না, একটিবার 400 পার এটাই ভালো লাগছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি তারকেশ্বরের কাছে। তারকেশ্বর থেকে এসেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। मैं आज के इस लोकसभा के चुनाव के बारे में कुछ विचार है आपको बता रहा हूँ। यह चुनाव विकसित राज्यों की मजबूत नींव पर विकसित भारत के संकल्प को दृढ़ संकल्प में बदलने का चुनाव है। आप हमें बताइए भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हमें बताइए भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वे गरीब का चूल्हा कभी बुझने नहीं देंगे, वे ईमानदारी से आपकी सेवा का प्रयास। आप इस प्रश्नों को जनता के सामने ले जाइए। जनता बोल रहा है कि अगर गैस का प्राइस है 900 रुपए, 1000 रुपए, तो फ्री का गैस तो मिला, लेकिन उसको भर नहीं पा रहे। नहीं, क्वेश्चन यह है, फ्री का गैस नहीं मिला, फ्री का गैस कनेक्शन मिला। गैस महंगी नहीं हुई है, मेरी 10 साल आगे जो आई थी, आज मेरी ग्रोस रिसीट बढ़ी है, सबकी बढ़ी है उस तुलना में। आज आप घर का भाड़ा 5000 देते थे, आज हम 10000 दे रहे हैं। ओके, पुलिस जस्ट इंटरप्टेड हिज स्पीच, ही वाज इन अ फ्लो, द फ्लो गॉट डिसरप्टेड। द जेंटलमैन हैड एक्चुअली रिटन एन एंटायर स्पीच, a political speech. The only thing lacking was a stage. Okay.
You have two pictures of Prime Minister Modi. In one picture, you have Prime Minister Modi with the tilak. The other picture, the usual one that you have seen in most of the hoardings. And it's written Bangalir Mone Modi, which means Prime Minister Modi is in the inside the hearts of, it's in the hearts of every Bangali. But I'm more curious to see the other picture where he is wearing a tilak and that has found its place in the hoarding. Somewhere it seems like the larger-than-life cutouts are also in a way converging with the idea where Prime Minister Modi truly is larger than life, as he has already said in his own interviews. So people are convinced with the idea that many of them I've spoken to, convinced with the idea that he is larger than life and Bhagwan hai. So very interesting, and it seems like all these hoardings and banners and posters, the designs behind them have been well planned and has only come ahead of the seventh phase of Lok Sabha election, the last phase of Lok Sabha election. Interesting. Yeah? Modi, Modi. आइए इस तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनित, अनित बर्मन है। मैं कुछ बिहार से आया हूँ। कुछ बिहार से आए? हाँ जी, मोदी हम लोग का जान है, मोदी के लिए जीवन भी दे सकता है हम लोग। अच्छा, हाँ जी बोलिए। आपने नया गाना सुना, नमो 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 नमो? जी सुना है। हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो शक्ति, तो नमो तो हमारे पूजा में आता है, तो इस गाने में नमो नमो है, कहीं लगता है कि पूजा पूजा का भगवान। हाँ, हम लोग मोदी को भगवान मान के पूजा करता है, इसलिए तो नमो नमो मोदी बोलता है हम लोग। आप लोग पूजा करते हैं? हम लोग भगवान, भगवान जैसा है, भगवान का अंश है, इसलिए मोदी को हम लोग भगवान मानता है, पूजा करता है। कौन सा भगवान? देखिए, जो भी महापुरुष है वो लोग भी आदमी, इंसान ही था, फिर भगवान बन गया, इसलिए हमारा मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहा है, देश का सेवा कर रहा है, हम लोग के लिए जान दे रहा है, हम लोग के लिए ना सुना भी बन कर दिया, सब कुछ के लिए हम लोग के लिए कुर्बान कर दिया। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ही बस बेकार हूँ, बेकार हूँ, फिर भी मोदी को चाहता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्वामी विवेकानंद का पूर्ण जन्म है, नरेंद्र देव उनका बच्चा का नाम था, उन्हीं का रूप है। स्वामी विवेकानंद का पुनर्जन्म है? हमको लगता है, एक किसी को नहीं बोल सकते, नरेंद्र क्योंकि बच्चा में उनका नाम था नरेंद्र देव, और ये देखिए गुजरात में पैदा हुए, कलकत्ता में पैदा हुए थे। बहुत बच्चा का नाम तो महादेव भी है, तो महादेव है? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मैं नहीं लगा रहा, अब तमाल नाम का तो बहुत आदमी होंगे। हाँ, लेकिन आपका नेचर, आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका तरीका, ये आपका सोच, ये सब तमाल में नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? नाम तीताश चौधरी। तीताश कहाँ से हैं आप? कोलकाता की। अच्छा, व्हाट डू यू डू? मैं स्टूडेंट हूँ। इस बार के चुनाव जो है, आप मोदी जी को देखने आए हैं, मोदी जी का क्या सबसे अच्छा आपको लगता है? उसका, उनका सबसे बड़ा योगदान जो इंडियन आर्मी के लिए है, मुझे वो वाला सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद जो कश्मीर के लिए उसने किया है, वो वाला अच्छा है। इंडियन आर्मी में क्या योगदान है? इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे? हाँ, उड़ी वाला, उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बहुत कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा है, अब सिचुएशन ही ऐसे है। इसका पिक्चर बन रहा है एक के बाद एक, वो दिख रहा है पूरा इंडिया को। अच्छा। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कैसे कर रहा है। आपने उड़ी देखा? हमने देखा। अभी इस टाइम पे आप देखोगे पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया का कौन सा हालत है, अभी कैसा हालत है, सब जगह पे इंडिया का नाम है, सब लोग अपने को इतना, मतलब क्या बोलते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना सब जगह पे, हर एक कंट्री में। अपने उधर मैं कुछ जगह जॉब करता हूँ, वो बाहर कंट्री से बहुत आते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज है बाहर कंट्री से, इतना हम लोगों का मतलब गर्व से ना सर ऊंचा हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक ही रीज़न, एक ही नाम आता है, कौन? मोदी, बस और कुछ नहीं, अपने को भाई मोदी चाहिए। मोदी जी के लिए देश का नाम बड़ा एकदम 100%, ये सब मानेंगे। अभी एक थे अटल बिहारी वाजपेयी,
उसके बाद अभी कोई आया तो भगवान जैसे यही है बस और कुछ नहीं। मोदी जी भगवान? हाँ मेरे लिए है भाई, किसी के लिए क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे लिए है। आपको खबर कहाँ से मिलता है, मेरे खबर कहाँ देखते हो? टीवी में, सोशल मीडिया देखते हैं। अभी हमको उतना टाइम तो मिलता नहीं है, अभी जॉब वगैरह के टाइम उतना मिलता नहीं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब मूवीज निकलते हैं, जितना खबर मिलता है हम देखते हैं। क्या क्या मूवीज देखा? वैक्सीन वार देखा? देखे तो बहुत है, अभी तो मतलब दिमाग में कुछ बोलने ना। कश्मीर फाइल देखा? हाँ देखा है ना। अच्छा, वैक्सीन वॉर देखा? वैक्सीन वॉर देखा नहीं सर। आर्टिकल 370 देखा? हाँ देखा ना, 370 देखा। अच्छा, और उरी देखा? उरी तो बहुत पहले, उरी तो मतलब ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए फिर मिला। नरेंद्र मोदी जो सिनेमा है, मूवी है, उनके ऊपर जो बायोग्राफी देख लिया? बायोग्राफी भी देख लिया। कौन कौन एक्टिंग किया था उसमें? एक्टर का नाम मालूम नहीं, पर देखा है, मतलब एक क्लिप दिखा था फेसबुक में, उसके बाद में ढूंढ ढूंढ के, थोड़ा उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि 12 घंटे काम करना पड़ता है, अभी क्या करेंगे। आपने स्वदेश देखा? स्वदेश देखा, वो तो बहुत पहले का, शाहरुख खान था ना। हाँ वो देखा है। ये जो देश है मेरा, वो वाला गाना था, वो अच्छा नहीं लगा? हाँ बराबर सिनेमा है। आई सी दिस जेंटलमैन शोइंग समबडी ऑन अ वीडियो कॉल द क्राउड आउट हियर। नमस्ते दादा, किसको दिखा रहे? वाइफ को। वाइफ को? वाइफ को साथ में नहीं लाए? नहीं। वाइफ कोथाय आछे? बाड़ीते। बाड़ी कोथाय? हुगली चुचुड़ा। आमी मोदीजीर फैन। मोदी जी हमारे कैसे भगवान? एकटाई कथा, वन सन वन आर्थ वन मोदी। এবার কি ওয়ান নেশন ওয়ান লিডার হবে? হবে হবে। আর কেউ লিডার হবে না? না, মোদি ছাড়া কোনো গান নেই, কোনো কথা নেই, মোদির কোনো বিকল্প নেই, ভারতবর্ষে মোদির কোনো বিকল্প নেই। আচ্ছা, এই 10 বছর যে কাম করেছে এটা শুধুমাত্র ট্রেলার। ইয়ে ট্রেলার তো? ইয়ে ট্রেলার। আচ্ছা, পুরো ফিল্ম আবি বাকি হে। আচ্ছা, ইয়ে সচ বতাইয়ে, ইয়ে পুরো লাইন আপনি মোদিজি কা স্পিচ সে শোনা হ্যায় আর উধার সে লায়ে হ্যায়। মোদিজি একটা কথা বলেছেন যে মানে ঘর পরিবার সব কুছ देश के लिए सोरा है। और आरेकटा कथा बोले जे आप कमल निशाना पर बटन दबाइए तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी खाते पर जमा हुए है। अच्छा। और एबार बोले जे एबारे जतगुलो चोर आछे चोरगुलो के सब धरे नेबेन और जे टाका आछे 26,000 करोड़। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख मिलेगा। 15 लाख मिलेगा बोला था? না না, এসব বুকা কথা, এই কোনো আপনারা ভিডিও ক্লিপ আপনারা দেখাতে পারবেন? এই একটা কথাই শুধু শুনে আসছি যে মোদিজি 15 লাখ দেবে, 15 লাখ দেবে, এটা কোনো ভিডিও ক্লিপে আপনারা দেখাতে পারবেন? এই যে চোর লুটেরো কে পয়সে বিদেশি ব্যাংকো মে জমা হ্যায় না, উতনে ভি হাম রুপিয়ে লে আয়ে না, তো ভি হিন্দুস্তান কে এক এক গরীব আদমি কো মুফত মে 15-20 লাখ রুপিয়ে ইউ ভি মিল জায়েগা। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। So that's the vehicle on which Prime Minister Narendra Modi would be having a road show. He would be riding on that vehicle, and from that vehicle the road show would start from here until Swami Vivekananda's house. The road show would continue and it would conclude over there. You know, the Sham Bazaar area is considered to be very I don't know how to put it, but then people who live here are considered to be quintessential Bangali. And somehow I'm drawn to the idea that once again Bengali Ashmita, that emotion is now coming to the fore, something that we've seen in 2021 Bengal Assembly election. And over here, Netaji Subhash Chandra Bose. It's considered to be an iconic statue out here, it's just not a landmark. Sham Bazaar Panchmata made into a landmark more so because of the statue, and Prime Minister Modi would be starting his rally after offering his tribute to the pride of Bengal, the legend, the icon, the legendary freedom fighter and considered to be one of the bravest freedom fighters the country has ever produced, Netaji Subhash Chandra Bose. Once again, I say it's the Bengali sentiment. নমস্কার। নমস্কার। আপনার নাম কি? আমার নাম সর্বানন্দ। সর্বানন্দ জি, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? আমি সামনেই থাকি, আমি আরজি কর মেডিকেল কলেজের উল্টো দিকে। আচ্ছা সর্বানন্দ জি, আপনি পূজারী, পুজো করেন, তন্ত্র সাধনায় আছেন? তন্ত্র সাধনায়? একদম। জয় মা কালী। জয় মা কালী, জয় মা তারা, জয় মা তারা। আচ্ছা, আজকে এখানে আসার কারণ? অবশ্যই দেশের স্বার্থ তো বলবই, কারণ মানে আমাদের যে দেশের পিতা, তিনি এই ফার্স্ট টাইম আমাদের এইখানে শ্যামবাজারে উত্তর কলকাতায় পদার্পণ করলেন, এটা আমাদের কাছে একটা গৌরবের দিন অবশ্যই। মানে
গোল্ডেন ওয়ার্ডসে লিখে রাখার মতো দিন। হ্যাঁ, আর আমার মনে হয় দেশের স্বার্থে এই মানুষটাকে প্রত্যেকের নির্বাচন করা উচিত, জাতির স্বার্থে বলুন, দেশের স্বার্থে বলুন, যে ব্যক্তিটার ভিশন আছে, মিশন আছে, হ্যাঁ, দেশকে নিয়ে, তাকে অবশ্যই সমর্থন করা উচিত, আর অবশ্যই তাকে একজন এক ঝলক দেখার জন্য, কারণ আমার কাছে উনি একজন মহাপুরুষ। উনি মহাপুরুষ একদম। আপনি নিজে পুজো তন্ত্র সাধনায় আছেন, আপনি বলছেন উনি একদম একদম দেশের পিতা, একদম অবশ্যই ফাদার অফ দি নেশন একদম। তাহলে গান্ধীজি কি? অবশ্যই, তারপরেও তো কেউ উত্তরসূরি থাকবে, গান্ধীজি তখন ছিলেন, তখনকার দিনে, আজকেও তো কেউ থাকবে। আপনি বলুন, মা কালীর পুজোতে অ্যালকোহল লাগে? অবশ্যই রাখি। আপনি আপনার পুজোতে অ্যালকোহল রাখেন? একদম রাখতেই হয়, রাখতেই হয়, কারণ ওনাকে ভোগ নিবেদন করার জন্য ওটা প্রয়োজন হয়। ভোগ নিবেদনে, মা তারার ভোগ নিবেদনে আমিষও রাখতে হয়? একদম। আচ্ছা, কী কী রাখেন আপনি? দেখুন, মাংস রাখতেই হয়, খাসির মাংস যেটা রাখতেই হয়, আর সুরা যেটা রাখতেই হয়। পুজো বা ভক্তি আস্থার জায়গাকে তর্কের জায়গায় নিয়ে আসে, আপনি সেটা সাপোর্ট করেন? কারণ আপনি জানেন কারা এটা করছে। না, এটা তর্কের জায়গায় এটা একেবারেই আনা উচিত নয়। আমি বলবো, যারা এটা করছে তারা কিছুই জানে না আখেরে, তারা সিম্পল মানুষকে ম্যানিপুলেট করার জন্য নানান রকম ভুল বোঝাচ্ছে। দেখুন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সবটা জানা সম্ভব নয়। এবার সেটাকে জেনেই কিছু দল, কিছু মানুষ সেটাকে ম্যানিপুলেট করছে মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য। তো এটা উচিত নয় একেবারেই, এটা একেবারেই উচিত নয়। মোদিজিকে দেখতে এসেছেন, মোদিজির দলের লোকেরা এটা করেছে। আর এই গানটা শুনলে একটু ওই আধ্যাত্মিক কিছু ব্যাপার গানের মধ্যে শুনতে লাগছে, নমো 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 নমো, একটা শক্তির সঞ্চার হয়। আমরা যখন এই ধরনের গানগুলো শুনি না, তখন আমাদের ভেতর একটা চেতনায় একটা শক্তি সঞ্চার হয়। বলতে পারেন সোলার প্লেক্সাস চক্র যেটা আছে আমাদের, মণিপুর চক্রটা, তো অগ্নিতত্ত্ব, সেটা জেগে ওঠে কোথাও না কোথাও, এটা দরকারও আছে। আর কেন্দ্রে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী, একদম কোনো না কোনোভাবে শক্তির সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। অবশ্যই জুড়ে আছে, আধ্যাত্মিক শক্তি তো আছেই, আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন এটা সম্ভব নয়। দিস ইজ দি সেভেন্থ টাইম দে আর প্লেয়িং দি সেম সং, নমো নমো। Is it a messaging, and is it an also an attempt to reinforce this idea? Namo is no longer the abbreviation of Prime Minister Narendra Modi's name. It is bigger than that, something divine. The song Namo Namo, it has been conceptualized, composed, and the music in a way has a temperament, has a mood, where you introduce the main character, the protagonist, and for BJP, if this is a blockbuster, if Lok Sabha election 2024 is a blockbuster, then for BJP, Prime Minister Modi is the main protagonist, and that's the reason, like you see in Bollywood, like you see in other movies like Pushpa, like KGF, where the main character enters, there is an upbeat music playing around what was so far the abbreviation of Prime Minister Narendra Modi's name. Narendra Modi, Namo, has now become a new theme song of BJP, Namo Namo. And certainly the objective, it seems like, simply not to project Prime Minister Modi larger than life, but also transcend you, as I said, to somewhere where I don't know, but somewhere where you find Prime Minister Modi really larger than you and me and everyone else around here. And as he has also said that he thinks he's not biological, and that Paramatma ne unko bheja hai for the country. And whether the song would now be there on the playlist as the last phase of Lok Sabha election 2024 goes to polling on 1st of June, we have to wait and see, but curtains are here to fall, at least on campaigning. With video journalist Rani Shatra here in Sham Bazaar, this is Tamal Shah for News The Truth NTD. Look at me, soaked in sweat, but not complaining. Got to meet with so many people.
আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক থেকে এসেছেন? আচ্ছা, বাসে এসেছেন, এখন আবার ফেরত চলে যাবেন? কতজন এসেছেন আপনারা? আমরা আসছি প্রায় না হলেও 73 জন। 73 জন এসেছেন। দেখতে পেয়েছেন মোদিজিকে? হ্যাঁ, ছবি তুলেছি, ভালো লাগলো। কেমন লাগলো? ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো মোদিজিকে দেখে? দিদিকে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলো। হ্যাঁ, মোদিজিকে দেখ পায়ে? হ্যাঁ, কাহাঁ পে আপকা ঘর? জগদ্দল সে। হ্যাঁ, জগদ্দল সে। জগদ্দল সে আয়ে? হ্যাঁ। কিতনা দূর, কিতনা টাইম লাগা আনে মে? 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টা মোদিজিকে দেখ পায়ে? হ্যাঁ। কেসা লাগা? বহুত আচ্ছা লাগা, ইসলিয়ে তো আয়ে হ্যাঁ। হ্যাঁ।